नमस्कार किसान मित्रों। किसान मित्रों, आज हम बात करेंगे हस्तर दवा के बारे में। यह एक सेलेक्टिव हर्बिसाइड है और अडामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आता है। इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, इसका किस फसल में उपयोग है, कब प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा है इसकी, कैसे प्रयोग करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कि हस्तर जो दवा होती है ये किस फसल में काम आएगी। किसान मित्रों, मक्का की फसल में आपने अक्सर देखा होगा कि मक्का के साथ साथ मौसमी खरपतवार कई प्रकार के उगाते हैं, जैसे गेहूं का मामा है, मोथा है व अन्य कई प्रकार की घासें मौसम के अनुसार उगाती हैं। तो इनकी रोकथाम करने के लिए या तो आप निराई गुड़ाई करके इनकी रोकथाम कर सकते हैं। निराई गुड़ाई करने में आपकी लागत बहुत आती है और समय भी अधिक लगता है। इस लागत से बचने के लिए, इस खर्चे से बचने के लिए कि कम से कम खर्चा करना पड़े और आपका काम भी हो जाए, अर्थात मक्के की फसल में जो खरपतवार हैं वो भी नष्ट हो जाएं और आपका कम से कम खर्चा हो, तो इसके लिए आप हस्तर दवा का प्रयोग कर सकते हैं। हस्तर दवा अडामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आती है। हस्तर दवा का प्रयोग आप मक्का में कर सकते हैं। मक्का में इसका प्रयोग आप खरपतवार नाशी के रूप में कर सकते हैं। अन्य किसी भी फसल में करने के लिए बिना जानकारी के किसी अन्य फसल में इस दवा का प्रयोग आप ना करें, नहीं तो आपके फसल का नुकसान हो सकता है। हस्तर जो कि अडामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की दवा है, इसका केमिकल टेम्बूट्रियान 34.4% SC फार्मुलेशन में आता है और ये 57.7 ml दवा आधा एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। आप इस दवा का घोल बनाकर अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करें। यह ध्यान रखें कि आपके मक्के की फसल लगभग 21 से 25 दिनों की हो गई हो। 21 दिनों से पहले इस दवा का प्रयोग आप अपनी फसल में ना करें, क्योंकि पौधे जब छोटे होते हैं तो यह पौधों पर भी असर डाल सकती है, पौधों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यदि आप 21 दिनों के बाद इस दवा का प्रयोग करते हैं, अर्थात अडामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो हस्तर दवा है, इस दवा का प्रयोग आप 21 दिनों के बाद अपनी मक्का की फसल में करते हैं, तो आपकी मक्का की फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और मक्का के अलावा बाकी जितने भी खर होते हैं, यह सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, तो जिन जिन खरपतवारों के लिए यह बनी होती है वह लगभग 7 से 10 दिनों में पूरी तरह से पीले पड़ के सूख जाते हैं। तो इस प्रकार आप अपने मक्के की फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। आप अपने मक्के की फसल में खरपतवार नाशी का प्रयोग करके खरपतवार ख़त्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। मक्के की फसल में निकाई गुड़ाई अति आवश्यक होती है। यदि आप निकाई गुड़ाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके खरपतवार वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। यदि आप निकाई गुड़ाई नहीं कर पाते हैं तो आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। किसान मित्रों, हस्तर दवा जो आती है इसका केमिकल टेम्बूट्रियान होता है और 57.5 ml दवा आप आधा एकड़ खेत में प्रयोग कर सकते हैं। यह दवा यदि आपको अडामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की नहीं मिल पाती है, यानी हस्तर दवा आपको नहीं मिल पाती है, तो ये बायर क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की दवा जो लाउडिस के नाम से आती है उसका भी प्रयोग आप अपनी फसलों में कर सकते हैं। लाउडिस जो कि बायर क्रॉप साइंस की दवा आती है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं यदि आपको हस्तर नहीं मिल पाता है तो।